अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर युवक ने खौलता तेल ठेले वाले युवक पर उड़ेल दिया। खौलता तेल युवक के शरीर पर गिरते ही वह बुरी तरह से झुलस गया। घटना कंपू थाना क्षेत्र के कमला राजा अस्पताल के पास की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भर्ती कराकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के साहिबा की बगिया में रहने वाला 22 वर्षीय सुनील पुत्र आसाराम पाल नाश्ते का ठेला कमला राजा अस्पताल गेट के पास लगाता है। रोजाना की तरह बीते रोज भी वह ठेला लगाए हुए था। इसी समय एक युवक उसके ठेले पर आया और नाश्ता किया और बगैर पैसे दिए जाने लगा। बिना पैसे दिए जाने पर सुनील ने उससे नाश्ते के पैसे मांगे, क्योंकि इससे पूर्व भी उक्त युवक उनके ठेले पर आकर नाश्ता कर गया था और पैसे नहीं दिए थे। इस पर युवक के बाद में पैसे देने को कहा, लेकिन सुनील ने उधार करने से मना किया तो युवक लड़ने पर उतर आया, साथ ही कढ़ाई का तेल दुकानदार पर पटक दिया, जिससे कढ़ाई का तेल सुनील के शरीर पर कई जगह गिरा। पैर पर ज्यादा तेल गिरने से वह ज्यादा झुलस गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। इसी बीच मौके पर मौजूद अनिल राजवीर तथा मोनू नाम के युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम होमत पाल निवासी घोसी बाड़ा चितेरा ओली का रहने वाला बताया, पर पुलिस आती उससे पहले ही आरोपी तीनों युवकों को धक्का देकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने पड़ताल के बाद आरोपी को दबोच लिया है। कंपू थाना प्रभारी रामेश्वर यादव ने बताया कि नाश्ते के पैसे मांगने पर विवाद व गर्म तेल उड़ेलने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।